हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू DDM फार्मा क्लासेस। टुडे आई विल डिस्कस यू न्यू टॉपिक फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, इसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता जिसमें इम्प्योरिटी ना इन्वॉल्व हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो हम उस जो हमारे पास इम्प्योरिटी इन्वॉल्व है उस इम्प्योरिटी को हम क्या करना चाह सकते हैं, एलिमिनेट करने की प्रोसेस जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। या बोल सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन सॉलिड बट अलाउ द फ्लूड टू पास थ्रू पोरस मीडियम यूजली सॉलिड एंड फ्लूड इज पास। मतलब कुल मिला के होता है कि हम एक फिल्ट्रेशन यूजली हम कई फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। उस फिल्टर पेपर में क्या होता है कि हमने मान लीजिए कोई सोल्यूशन बना और हम उसकी इम्प्योरिटी हटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फिल्टर मीडियम जो होता है उसी के थ्रू हम उसको स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद जो हमें मटेरियल मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसमें सॉलिड और लिक्विड अगर दो चीज़ का हमने मिक्सिंग करके बनाया हुआ है तो उन सबको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन की अगर बात करें तो सबसे पहला होता है स्टार्निंग। स्टार्निंग क्या होता है, जैसे कि हमारा सीविंग होता है कि जो पार्टिकल साइज, जो हमारे लार्ज पार्टिकल साइज हैं वो पास नहीं कर पाते हैं स्मॉल पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडियम। इसको हम मतलब कि ये केवल स्मॉल पार्टिकल के लिए होता है। ठीक, दूसरा हमारा है इम्पिगमेंट। इम्पिगमेंट में क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिल्टर मीडियम फ्लो के साथ निकल जाते हैं। ठीक है, और जो थर्ड ऑप्शन है इसमें वो है हमारा इंटेलगेमेंट। इंटेलगेमेंट में क्या होता है कि जो हमारा पार्टिकल होता है वो फाइबर के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो पोर साइज बहुत बड़े नहीं होते हैं। देन जो नेक्स्ट फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, मतलब जो नेक्स्ट मैकेनिज्म आता है वो है अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब दो पार्टिकल के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स होगा तो वो सब कंबाइंड होकर और इसकी इम्प्योरिटी से वो निकल जाते हैं और उनको हम फिल्टर मीडियम के थ्रू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन, किस किस तरीके का फिल्ट्रेशन का टाइप होता है। तो सबसे पहला होता है सरफेस फिल्ट्रेशन, जिसमें स्क्रीन का फिल्ट्रेशन होता है, जैसे हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर हो गया, ये हमारा इक्विपमेंट है। ठीक है, दूसरा हमारा जैसे जिससे हमारा डेप्थ फिल्ट्रेशन है। डेप्थ फिल्ट्रेशन में जैसे सिरामिक फिल्टर, सिंटर्ड फिल्टर, हमारे ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, और केक फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो हम फिल्टर केक बनने लगता है। फिल्टर के इन द सेंस कि जैसे हम कोई जैसे सस्पेंशन वाले मॉलिक्यूल हैं उनको जो फिल्टर मीडियम के थ्रू हम लोग फिल्टर करते हैं तो सॉलिड मास के फॉर्म में अगर इकट्ठा हो जाता है तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, फिल्टर केक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फिल्ट्रेशन अगर स्मॉल स्केल पे करना है तो हम केवल फिल्टर मीडियम का ही यूज़ करके आराम से इसको कर सकते हैं। बट अगर हमें लार्ज स्केल पे बनाना है तो लार्ज स्केल पे अगर हमें फ़िल्टर करना है, इम्प्योरिटी को रिमूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इक्विपमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो उस कुछ हमारे इक्विपमेंट है, जैसे पहला प्रेशर फिल्टर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें जैसे प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस, ये हमारे इक्विपमेंट का नाम है, प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सरफेस फिल्ट्रेशन, मतलब स्क्रीनिंग फिल्ट्रेशन के हिसाब से ये काम करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम इस कोई हमारा जैसे प्रोडक्ट है उसको 100% प्योर करने की प्रोसेस को स्टराइल बोलते हैं। तो स्टराइल फिल्ट्रेशन में या फिर एंटी टॉक्सिन के कलेक्शन में हम लोग सरफेस फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। मेटा फिल्टर जो होता है उसको हम एज्ड फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, तो उसका जो प्रिंसिपल होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है उसको हम सरफेस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है कि जो मेटा फिल्टर होता है उसके बीच में मेटल की रिंग लगी होती है, जिसकी जो
जिसका जो डायमीटर है हमारा 5.5 का होता है। इसका हम यूज मेनली इसका यूज हमें जानना चाहिए कि इसका यूज कहाँ होता है। तो मेनली इसका यूज हम लोग सीरक क्लैरिफिकेशन, इंसुलिन लिक्वर या फिर इंजेक्शन का जो क्लैरिफिकेशन करते हैं उसका मेज, और सरफेस फिल्ट्रेशन जितने भी होते हैं वो मेनली हमारे वैक्यूम फिल्टर या प्रेशर फिल्टर होते हैं। ठीक है, तो एक हम देख लेते हैं वैक्यूम फिल्टर क्या होता है। जिस तरह हमारा मेटा फिल्टर होता है उसी की अप्रॉक्सीमेटली सेम फिल्टर लीफ होता है। ठीक है, उसका भी प्रिंसिपल क्या है, सरफेस फिल्ट्रेशन। और इसका यूज हम लोग 5% सॉलिड कंटेंट के स्लरी बनाने में। स्लरी क्या होता है, जब हम सॉलिड की सॉलिड और लिक्विड को कुछ इस तरीके से मिक्स करें कि जैसे वो पेस्ट टाइप बन जाता है, तो उस चीज़ को हम स्लरी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट है दैट इज सीव फिल्टर। सीव फिल्टर में ड्रम फिल्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारा ड्रम फिल्टर है। पहला हम देख लेते हैं कार्टेज फिल्टर क्या होता है। कार्टेज फिल्टर का भी जो प्रिंसिपल है वो सीविंग पे है। इसमें करेक्टरिस्टिक एंड यूज अगर हम देखें तो इसमें ये भी दो मेम्ब्रेन फिल्टर होती है जो पॉलीप्रोपाइलीन की बनी होती है। इसका यूज हम फ्री सॉल्यूशन फॉर पैरेंटल एंड ऑप्थैल्मिक यूज के लिए करते हैं। ठीक है, पैरेंटल एंड ऑप्थैल्मिक यूज के लिए करते हैं। ठीक है, ड्रम फिल्टर जो होता है हमारा उसको हम बोलते हैं रोटेटरी फिल्टर। उसमें एक एक्सिस होता है और एक्सिस के ऊपर ऐसा रखा होता है जैसे कि बाउल रखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रम फिल्टर। ठीक है, और इसका यूज हम लोग स्लरी जिसमें 30% सॉलिड होता है, जैसे कि पेंसिलिन वगैरह का प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। और एक इसमें हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर है वो जब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, वहाँ पे उसका हम डिटेल आपको डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।